हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको इसके पहले वाले वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी पेपर है, तो उसमें आपका मैंने क्या क्या बता दिया था। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर और उसका स्कोप, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। और अब इस वीडियो में आपको हम बताएंगे अप्रोचेस एंड मेथड्स। तो लेट्स बिगिन। पॉलिटिकल थ्योरी जो हमारा पेपर, उसमें हम एक पार्ट कवर कर चुके हैं हमारे पहले यूनिट का, और दूसरे यूनिट जो हमारा अप्रोच एंड मेथड्स। तो अप्रोच एंड मेथड अब हमें देखना है। जैसे कि अप्रोच, सबसे पहले कि अप्रोच होता क्या है। तो अप्रोच, जैसे कि हम किसी चीज़ को देख, हमारे देखने का नज़रिया क्या है, हम जैसे पर्सपेक्टिव एक वर्ड यूज़ करते हैं, पर्सपेक्टिव, अप्रोच, ये सारे एक जैसे हैं। हम किसी चीज़ को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, किस नज़रिए से किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो वही कहता है हमारा अप्रोच। हमारा किसी चीज़ को देखने का नज़रिया ही हमारा अप्रोच, हमारा पर्सपेक्टिव होता है। ठीक, तो अप्रोच क्या होता है, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, वे ऑफ थिंकिंग। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे अप्रोच है। ठीक है, फिर उसी अप्रोच को जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचे, अच्छा ठीक है ऐसे ये चीज़ है, और फिर उसी अप्रोच को अप्लाई करके थ्योरी बना देते हैं, तो वो हो जाता है मैथड। तो आगे हम आपको और डिटेल में समझाएंगे। पहले अप्रोच की बात करते हैं। तो अप्रोच क्या है, किस चीज़ के देखने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव, कुछ सोचने का। ठीक, तो आइए उसके हम दो डेफिनेशन यहाँ लिख रखा है, उसको समझते हैं। ठीक है, अ वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग, अ वे ऑफ, एक वे है, एक तरीका है ऑफ डीलिंग विद समथिंग, किस चीज़ के साथ कैसे क्या डील, मतलब डील करना मतलब उसको सोचना, समझना कुछ, या उसके ये कुछ करना, वो है एक, वो वे, वो तरीका है, और अ वे ऑफ डूइंग और थिंक अबाउट। देखिए, अ वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग, या तो हम ये कहें कि किसी चीज़ के साथ कैसे हमें डील करना है, वो तरीका है ये, या और अ वे ऑफ डूइंग, एक किसी चीज़ को करने का तरीका है ये, या और थिंक अबाउट समथिंग, या किसी चीज़ को सोचने का तरीका है ये। देखिए पहले बताया, अ वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग, किस चीज़ के साथ डील कैसे करना है। ठीक, जैसे मेरी ये बुक है, ठीक, तो हमें इस बुक के साथ डील कैसे करना है। अगर ये हार्ड है तो इसके साथ बहुत मेहनत करके, डीपली एक पॉइंट को पढ़ के समझ के तब हमें इसको पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज भी हार्ड है तो ज़्यादा फोकस करना है। तो क्या हम इसके साथ कैसे डील कर रहे हैं, हमने इस बुक को देखा, इस बुक के बारे में जाना, और फिर हमारा अप्रोच, पर्सपेक्टिव, इस बुक को देखने का नज़रिया क्या बना, कि बुक इट्स लैंग्वेज वॉज टू टफ, सो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ही मतलब मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे से डीप में पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको मिस नहीं कर सकते। हमारे देखने का, इस बुक को देखने का नज़रिया, कि बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से कि अ वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग, ये समथिंग ये कुछ है जिसके साथ हम कैसे डील कर रहे हैं, ये हमारा नज़रिया बन गया इस बुक को देखने के बाद। ठीक, चाहे अ वे ऑफ डूइंग, चाहे हम इस बुक को पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो वो तरीका, और चाहे थिंक अबाउट समथिंग, या इसके बारे में जो सोच रहे हैं कि नहीं ये बहुत ही टफ बुक है, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट भी है तो अच्छे से करना है, तो वो तरीका भी क्या है, हमारा अप्रोच है, क्या पर्सपेक्टिव, क्या नज़रिए से हम उस बुक को देख रहे हैं। तो था एक बुक का एग्जांपल, पर हम किसी भी चीज़ को जब हम किसी नज़रिए या किसी पर्सपेक्टिव या किसी वे ऑफ थिंकिंग के की ओर से सोचते हैं, देखते हैं, तो उसी को अप्रोच कहा जाता है। ठीक, तो वैसे पॉलिटिकल साइंस को देखने समझने का क्या क्या सा पर्सपेक्टिव, क्या क्या नज़रिया है, वही हम देखेंगे कि अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस को देखने समझने के क्या क्या नज़रिया है, क्या क्या पर्सपेक्टिव, क्या क्या तरीके। ठीक, ये पहला डेफिनेशन, अ वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग, और वे ऑफ डूइंग, डीलिंग विद समथिंग, वे ऑफ डूइंग, चाहे कह लें थिंक किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को लेकर कुछ करना, कुछ सोचना, या उसके साथ डील करना, सही बात एक ही है। ठीक है, पहला डेफिनेशन। फिर दूसरा, टू डिनोट द रिटन एम्प्लॉयड इन सेलेक्टिंग द क्वेश्चंस टू आस्क एंड डाटा टू कंसीडर इन पॉलिटिकल इंक्वायरी। ये तो डेफिनेशन बहुत ईजी था, हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, टू डिनोट द रिटन एम्प्लॉयड इन सेलेक्टिंग द क्वेश्चन, हम कोई क्वेश्चन हमारे माइंड में आया, ठीक,
टू डिनोट, हम उस चीज़ को डिनोट करते हैं जो कि हमारे लिख लिखा है हमारे दिमाग में, वो आ गया हमारे कोई क्वेश्चन लिखा लिखा है हमारे दिमाग में आ गया, और टू आस्क द डाटा टू कंसीडर, और उस चीज़ को हम पॉलिटिकल साइंस में कैसे कंसीडर करेंगे उस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, ठीक। जैसे कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, तो वो क्वेश्चन मार्क बन के हमारे सामने आया कि ये जो किसान आंदोलन है ये क्या, मतलब एक्चुअली में जो किसान है वो है, ये बहुत लोग कह रहे हैं नहीं ये किसान नहीं है, ये एंटी पार्टी के लोग हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये किसान है जो अपना प्रॉब्लम शो कर रहे हैं, बहुत ही एग्रेसिव हो गए इस वे में शो कर रहे हैं। तो अब हम जो हमारे दिमाग में टू डी नोट अ रिटन एम्प्लॉयड इन सेलेक्टिंग द क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है कि एक्चुअली ये है क्या। अब इस चीज़ को टू आस्क एंड डाटा टू कंसीडर, अब इस चीज़ जो क्वेश्चन उठा इस चीज़ में हम डाटा मतलब कलेक्ट करेंगे अपने माइंड में और सोचना शुरू करेंगे, और जिस वे में हम सोचेंगे वही हमारा अप्रोच कहलाएगा कि अच्छा। तो जैसे अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग अप्रोच, मतलब अलग अलग थिंकर ने अलग अलग अप्रोच से इस एक ही चीज़ को सोचा। जैसे कि अगर हम उसी चीज़ को सोचेंगे नहीं किसान इतना आंदोलनवादी थोड़ी हो सकते कि जो लाल किले पर पहुँच के अपना झंडा फहरा दें, ये मेरा पर्सपेक्टिव। बगल वाला कहेगा अरे इतना ज़्यादा गुस्सा भी तो हो सकता है उनके अंदर, क्यों वो गुस्सा नहीं हो सकता उनके साथ में डिससेटिस्फाइड वर्क हो रहा है तो वहाँ तक वो पहुँच गए। तो हाँ, किसी भी चीज़ उसी टॉपिक को देखने उसी क्वेश्चन को डील करने का तरीका मेरा था और सामने वाले का तरीका दूसरा था, तो मेरा अप्रोच अलग हो गया उसका अप्रोच अलग है, मैंने मेरे देखने उस टॉपिक को इस क्वेश्चन को देखने का नज़रिया कुछ और था, उस इंसान को देखने का नज़रिया कुछ और था। तो वही अप्रोच क्या होता है किसी चीज़ को देखने या समझने का नज़रिया, वही पॉलिटिकल साइंस हम किस नज़रिए से क्या चीज़ समझते हैं, कुछ अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली में है क्या, और अलग अलग थिंकर्स ने अपने अपने थाट्स दिए हैं, वही अलग अलग अप्रोचेस हैं, ठीक है। चलिए ये पहला दूसरा डेफिनेशन, ठीक है, अगर आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अप्रोचेस, ठीक, ये तो डेफिनेशन हो गया। अब अप्रोचेस दो तरीके के हैं, एक तो है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक तो है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमें फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल अप्रोच पढ़ने, ये चार अप्रोच इस ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर पढ़ने को, कौन से, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल। अब मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमें क्या पढ़ना है, बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल, बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, ठीक। तो इतना हुआ, तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अप्रोचेस, एक एक अप्रोचेस पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने इसका डेफिनेशन पढ़ा दिया था कि व्हाट इज अप्रोच, और अप्रोच दो तरीके के हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। और अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, उसके अंदर आपके अप्रोचेस जो चार अप्रोचेस थे उसके अंदर के वो, तो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है फिर इसके अंदर के अप्रोचेस हम देखेंगे, ठीक। तो व्हाट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच नॉर्मेटिव एंड वैल्यू बेस्ड। मैंने इसको पॉइंट वाइज बना दिया आपको ताकि इजीली लर्न हो सके। तो पहला पॉइंट है नॉर्मेटिव एंड वैल्यू बेस्ड। नॉर्मेटिव एंड वैल्यू बेस्ड मीन्स कि कोई भी प्रैक्टिकल थिंग चीज़ें नहीं होती इसमें, नॉर्मेटिव जो थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, और वैल्यू बेस्ड है, मोरल बेस्ड है, कोई भी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन नहीं होता है यहाँ पे, जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, नॉर्मेटिव एंड वैल्यू बेस्ड। कोई भी फैक्ट की बात हम यहाँ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ की बात करते हैं, मोरल की बात करते हैं, जो एक्चुअलिटी है उसकी बात हम नहीं करते यहाँ पे, सिर्फ नॉर्मेटिव एंड वैल्यू बेस्ड। जो भी चीज़ें थ्योरेटिकल हैं और जो भी चीज़ें वैल्यू और नॉर्म्स में बोली गई हैं उनकी बात करते हैं हम, ठीक है। तो क्या नॉर्मेटिव है और वैल्यू बेस्ड है, ठीक। दूसरा, पुट एम्फेसिस ऑन वैल्यू मोर देन फैक्ट। हम इस पर वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेस देन फैक्ट। जितना हम वैल्यूज़ पे फोकस करते हैं उतना फैक्ट पे नहीं करते, टोटली हम वैल्यूज़ की बात होती है, जो भी थ्योरीज में लिख दी गई हैं या जो भी मोरली जो बना दी गई हैं वही सही चीज़ें यहाँ फॉलो होती हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल इस चीज़ को समझने के लिए, तो ये दूसरा हमारे पॉइंट, ये नॉर्मेटिव एंड वैल्यू बेस्ड है। दूसरा एम्फेसिस, पुट एम्फेसिस ऑन वैल्यूज मोर देन फैक्ट, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। और जैसे कि हम एग्जाम्पल दें इस चीज़ की समझने के लिए, जैसे इलेक्शन का एग्जाम्पल, जैसे हम सोशल पॉलिटिकल साइंस की बुक में क्या पढ़ते हैं, हमारा जो वो क्या कहते हैं इलेक्शन है, वो इलेक्शन कैसे होता है,
इलेक्शन जो हमारा होता है बहुत ही फेयरली वे में होना चाहिए, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। जितना भी बिल एक्सपेंस करेंगे हम अपने इलेक्शन में, वो एकदम फिक्स होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। तो क्या ये चीज़ ट्रूली ऑब्जर्व करें हम, तो क्या सच में ऐसे ही होता है? ऐसे नहीं होता लोग, ये लिमिट है तो यहाँ खर्च करते हैं अपने इलेक्शन में, तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल बातें यहाँ नहीं होती है। जो भी हमारे बुक में छपी छपाई जो भी रूल लॉ रेगुलेशन है वही चीज़ें भी ये बात करता है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऐसे थोड़ा होता है जैसे हमें वोट किसी से नहीं मांगना, जो हमारा ट्रू एंड फेयर वोट होना चाहिए। तो क्या हम कैसे पैसे दे के वोट खरीदते हैं, ये सब की बात नहीं होगी। बस हमें वोट नॉर्मल फ्री फेयर तरीके से होना चाहिए, ये चीज़ हम कहते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या चीज़ें हो रही हैं ये नहीं, जो सामने चीज़ें हो रही हैं बस उनकी बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा है उसकी बात नहीं करते। क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल जो नॉलेज दी गई है उसकी बात करता है, तो वो प्रैक्टिकल की तो बात करता है नहीं, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो नहीं पाती हैं। तो ठीक, नॉर्मेटिव एंड वैल्यू बेस्ड, पुट एम्फेसिस ऑन वैल्यू मोर देन फैक्ट्स। ठीक, तो तीसरा पॉइंट है, वैसे आप एक्चुअल एग्जाम्पल समझ गए ना कि एक्चुअली में है थ्योरी क्या कहती है, फिर एक्चुअली में वो है क्या। तो प्रैक्टिकल चीज़ें तो वो लेता नहीं है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच, तो थ्योरी वाली बातें सिर्फ करता है। तो फैक्ट्स चले गए और जो वैल्यूज थे कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, जो मोरल चीज़ें थी वो रह गई, तो वो चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक, हमारा तीसरा पॉइंट अब क्या है, हमारा तीसरा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सॉरी गाइस यहां ऑफ लगाना भूल गई थी मैं, approach of political science should not be purely scientific. According to this, इस traditional approach के according देखा जाए, traditional approach के जो नज़रिया था, जो देखने का traditional approach के देखने का तरीका था, way of thinking थी, उसके हिसाब से कि जो हमारा political science है should not be purely scientific, वो purely scientific नहीं है। जैसे कि आपको पहले लेक्चर में बताया था कि political science nature में कि दो view रखा गया है, कि as a science, as a not a science, तो वो आप देखिएगा तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि वो एज अ साइंस किन पॉइंट्स की वजह से है, एज अ नॉट अ साइंस किन पॉइंट की वजह से। तो नॉट अ साइंस वाला जो पॉइंट है ना, वो यहाँ बताता है कि यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते अच्छी, मतलब और जो चीज़ें एकदम फिक्स यूनिवर्सल लॉज है वो यहाँ नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो जो चार बातें मैंने उस वीडियो में आपको बताई थी कि एज नॉट अ साइंस जो नेचर में, तो वो चीज़ें यहाँ पर लागू होंगी कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस शुड नॉट बी प्योरली साइंटिफिक, इसके अकॉर्डिंग साइंटिफिक नहीं। क्योंकि उसमें क्या क्या पॉइंट बताया था कि ऑब्जर्वेशन नहीं करते हम, प्रैक्टिकल नहीं देखते हैं, प्लस उसमें जितने लॉ बनते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल लॉज नहीं होते हैं जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर होते हैं। ठीक, अब चौथा बात करें हम, तो दीज आर डोमिनेटेड बाई स्टडी ऑफ फिलोसफी हिस्ट्री लॉ एंड इंस्टीट्यूशन। जैसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर कौन कौन से अप्रोच पढ़ेंगे, फिलोसफिकल अप्रोच पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल अप्रोच पढ़ेंगे, नॉर्मेटिव अप्रोच पढ़ेंगे, लॉ अप्रोच पढ़ेंगे, सॉरी लॉ नहीं लीगल, लीगल हो गया यहाँ पे, लीगल अप्रोच पढ़ेंगे और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से ही हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच डोमिनेट करता है। तो फिलोसफिकल दर्शन शास्त्र, फिलोसफिकल मतलब दर्शन शास्त्र, वो भी थियोरेटिकल है, कोई भी उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें तो होती नहीं है फिलोसफी में। तो वो है हिस्ट्री, हिस्ट्री में हम पूरा पास्ट देखते हैं, उसमें भी हमें कोई प्रैक्टिकल चीज़ और नेचुरल ऑब्जर्वेशन तो है नहीं। प्लस लीगल लॉ, वो भी थ्योरी में लिख दिया है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, उसमें भी क्या प्रैक्टिकल और क्या ऑब्जर्वेशन, कुछ भी नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट है। और इंस्टीट्यूशन जो संस्थाएँ हैं उनकी स्टडी में क्या एक्सपेरिमेंट है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये सब जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जो हमारा, वो उसमें कोई भी प्रैक्टिकल बात नहीं होती, सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड, वैल्यू से रिलेटेड, जिसमें सिर्फ लिख दी गई है, उसके पीछे जो हम सामने से बस देख रहे हैं वो वाली चीज़ें, जो अंदर उसके एक्चुअली में चीज़ें वो हम इसके अंदर नहीं पढ़ते। तो ये इसका ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि ये अप्रोच हमें वो चीज़ें एक्चुअलिटी हमें नहीं दिखा पाया, जो हमें पॉलिटिकल साइंस का जो देखने का नज़रिया है, ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमारे ट्रेडिशनली जो हम देखते हैं पॉलिटिकल अप्रोच को, उसके अंदर ये चीज़ें हम ये करते हैं। और ये हमारा ड्रॉबैक भी है, और ये शुरू में सबसे पहले हम यही अप्रोच से देखा करते थे पॉलिटिकल साइंस को, फिर इस अप्रोच के बाद मॉडर्न अप्रोच आता है। पहले हम इस ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, इसको देख लेते हैं, फिर मॉडर्न अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, अब हम एक एक करके इसके अंदर के अप्रोचेस पढ़ें। हाँ, तो जैसे कि आपको हमने बताया कि डेफिनेशन, मॉडल अप्रोच, अप्रोचेस होते क्या है, फिर हमने आपको बताया कि
कितने तरह के अप्रोच होते हैं, तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच होता है। फिर ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है ये बताया, जो सब थ्योरेटिकल बातें करता है, और उसके बाद में बताया कि उसके बाद में आपको बताया जाए कि फिलोसफी उसके अंदर कितने अप्रोचेज होते हैं। उसके अंदर चार अप्रोचेज, फिलोसफिकल अप्रोच, वैसे तो बहुत सारे अप्रोचेज हैं, बट हमें जो बीए वाले हैं फर्स्ट ईयर में उनके सिलेबस में लगभग इतना ही है, फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, लीगल एंड एक है नॉर्मेटिव अप्रोच। हाँ, फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोच, लीगल अप्रोच और एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें। तो शुरू करते हैं फिलोसफिकल अप्रोच। ठीक, तो फिलोसफिकल अप्रोच, ओल्डेस्ट अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। फिलोसफिकल अप्रोच क्या है? ओल्डेस्ट अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। ये बहुत ही पुराना अप्रोच है, एकदम शुरुआत टाइम में इसी नज़रिए से हम पॉलिटिकल साइंस को देखते थे, पढ़ते थे, समझते थे। सेकेंड पॉइंट, ट्रेस्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ ग्रीस फिलोसोफर लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ये किस समय की बात, ये जो अप्रोच है हमारा वो किस समय से लिया गया है? जिस टाइम प्लेटो और एरिस्टोटल थे उस टाइम से ये अप्रोच है, उस टाइम से ये लोग उस टाइम ये लोग इस अप्रोच से देखा करते थे और वही उस टाइम का ये अप्रोच है। सोचिए कितना पुराना अप्रोच है। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो एंड एरिस्टोटल इस नज़रिए से, इस पर्सपेक्टिव से, इस अप्रोच से देखा करते थे क्या हमारे पॉलिटिकल साइंस को। अब इस अप्रोच के अंदर क्या है, उसके बाद एक और चीज आ रहा था, लियो स्ट्रॉस वन ऑफ द मेन सपोर्टर ऑफ, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पीए मतलब फिलोसफिकल अप्रोच है इसका मतलब। और तो लियो स्ट्रॉस जो थे वो बहुत बड़े सपोर्टर थे फिलोसफिकल अप्रोच के। ठीक है, और प्लूटो और एरिस्टोटल भी थे, लियो स्ट्रॉस भी थे, और ये लियो स्ट्रॉस बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अप्रोच है, पॉलिटिकल साइंस को देखने और समझने का तरीका है। और ये कैसा है अब ये जानते हैं, इसके बारे में जाना। अब ये कैसा है, एथिकल है, नॉर्मेटिव है, आइडियलिस्टिक है, वैल्यू बेस्ड है। एथिकल, एथिकल में हम क्या देखते हैं, क्या गलत है क्या सही है। एथिक्स, एथिक्स मतलब हमारे मोरल वैल्यूज जो होते हैं एथिक्स, हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, और जो भी ब्लैक मार्केटिंग है और जो भी बेकार चीज़ है जो हमें बताता है हाँ ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो है इसमें एथिकल। एथिक्स पढ़ते हैं, एथिक्स, आई थिंक आई होप सो आप लोग एथिक्स मतलब समझते होंगे। एथिकल जो हमारे वैल्यूज होते हैं ना, वो एथिक्स में डिस्कस किए जाते हैं, वो थोड़ा वैल्यूज से थोड़ा हट के होता है। एथिकल है, नॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव मतलब थ्योरेटिकल बातें की जाती हैं उसमें, थ्योरी से रिलेटेड। एथिकल है, नॉर्मेटिव है, आइडियलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक मतलब है कि सिद्धांतिक, आइडियलिस्टिक को आपको कैसे बताएं, आदर्शवादी, आधे हिंदी में कह देंगे आदर्शवाद। इसमें आदर्शवादी चीज़ों को बताया गया है कि एक्चुअली में हमारे आदर्श का कहते हैं कि किस चीज़ के साथ हमें कैसे करना चाहिए, क्या डील करना चाहिए, किस चीज़ को कैसे, पॉलिटिकल साइंस का जो हमारी चीज़ है उसको फॉलो करने का क्या आदर्श है, तो वो सारी चीज़ें हमें बताते हैं। आदर्शिक है, आइडियलिस्टिक है, एथिकल है, नॉर्मेटिव है, एथिक्स है इसमें, थ्योरी है इसमें, आइडियल आदर्श है इसमें, वैल्यू बेस्ड है, फैक्ट की बात ही नहीं करते हैं, वैल्यू बेस्ड है। जो वैल्यूज कहेंगे, जो जैसे कि एक गरीब है, अगर वो गरीब है इसका मतलब नहीं कि अमीर उसको थप्पड़ मारेगा बिना किसी मतलब के। ठीक, तो ये क्या है, हमारे वैल्यूज है, हमारे एथिक्स है, ये लिख दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। आइडियलिस्टिक है, आदर्श, हमारा ये आदर्श है कि हम किसी, अगर अमीर है तो गरीब को नहीं मार सकते, तो ये हमारा आदर्श है, हमें बताते हैं। नॉर्मेटिव मतलब थ्योरी में लिख दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये सारी चीज़ क्या है, फिलोसफिकल अप्रोच जिसके थ्रू हम देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस को। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा है ना कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सब बराबर है, चाहे वो कोई भी अमीर गरीब किसी भी कास्ट क्रीड सेक्स, तो वो सब इक्वल है, तो वही चीज़ है। एथिकल है, नॉर्मेटिव है, आइडियलिस्टिक है, वैल्यू बेस्ड है। ठीक, तो पहला पॉइंट ओल्डेस्ट अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, दूसरा पॉइंट ट्रेस्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ ग्रीक फिलोसोफर लाइक प्लूटो एंड एरिस्टोटल, जिस टाइम प्लूटो एरिस्टोटल थे उस टाइम से इस अप्रोच का यूज हो रहा है। लियो स्ट्रॉस वन ऑफ द मेन सपोर्टर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफिकल अप्रोच, लियो स्ट्रॉस बहुत बड़े सपोर्टर थे इस अप्रोच के। फिर एथिकल है, नॉर्मेटिव है, आइडियलिस्टिक है, वैल्यू बेस्ड है ये। ठीक, पांचवा पॉइंट, व्हाट गुड एंड व्हाट बैड, ये हम देखते हैं कि जैसे अभी हमको ना कि एक अमीर है तो गरीब को थप्पड़ नहीं मार सकता क्योंकि वो अमीर है, इसलिए कोई इस चीज़ से
सोसाइटी को ही नहीं फर्क पड़ता कि वो अमीर है, वो इसका मतलब नहीं उसके पास अपने राइट, उसके पास अपने राइट, कि वो किसी के राइट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक, तो ये क्या गलत है क्या सही है, आइडियलिस्टिक है, आदर्शवाद है, ये हमें बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, हमें स्मगलिंग, टेररिज्म, ये सारी चीज़ें, ये सब जो आदर्शवाद है ना, वो जो लिख दिए नहीं ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें लिखी गई ना एज यूजुअल, क्या गुड है क्या बैड है सब कुछ डिसाइडेड वहाँ लिखा हुआ है। तो वैसे ही बताता है ये फिलोसफिकल अप्रोच। ठीक, फिर छठवा, प्रॉब्लम ऑफ द नेचर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट। देखो, प्रॉब्लम ऑफ द नेचर, हमारे नेचर की क्या प्रॉब्लम है और क्या फंक्शंस हैं हमारे स्टेट के, जो हमारा नेचर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उसका क्या नेचर है और वो फंक्शंस, स्टेट जो हमारे इंडिया, हमारी टेरिटरी है पूरी, उसका क्या फंक्शन है, सिटीजनशिप राइट एंड ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें जो है ना किसके अंदर पढ़ते हैं, फिलोसफिकल अप्रोच के अंदर, कि हमारे इन पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उसका नेचर कैसा है, वो कैसे फंक्शन करते हैं हमारे स्टेट में, और उसमें सिटीजनशिप राइट ड्यूटी से राइट था ना कि एक अमीर आदमी गरीब को थप्पड़ नहीं मार सकता, उसका राइट, उसके पास उसका राइट, उसके पास ड्यूटीज़ है कि हमें अपने राष्ट्रगान, राष्ट्र फ्लैग और फ्रीडम फाइटर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो भी हमारे पब्लिक चीज़, ट्रांसपोर्ट वगैरह, पब्लिक प्रॉपर्टीज को बर्बाद नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब कितने राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, इन सब चीज़ों को फॉलो करना, तो लिख दिया गया ऐसा करना ऐसा नहीं करना। ठीक, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो ये थी फिलोसफिकल अप्रोच। ठीक, अब हम दूसरी अप्रोच की ओर पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच। अब हिस्टोरिकल अप्रोच में क्या है, गाइस देखिए, हमने पॉइंट वाइज सब कुछ जो भी थ्योरी था उसको एकदम एनालाइज करके, शॉर्ट करके, एकदम पॉइंट वाइज लिख दिया, ये सब कुछ कवर हो जाए और आप इजीली लर्न भी कर सकें, तो आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। बी ए के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, आराम से पॉइंट वाइज करके, और फिर इस पॉइंट को लिख के अंदर आप अपने जो समझे उसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपका अच्छा खासा नोट्स बन गया। ठीक, हिस्टोरिकल अप्रोच, फोकस ऑन हिस्टोरिकल फैक्टर लाइक एज प्लेस सिचुएशन। जैसे हिस्ट्री क्या बताता है, हुई वॉर है, कब हुई, कहाँ हुई, किस कंडीशंस में हुई। ठीक, तो उन चीजों, ये जो हिस्टोरिकल फैक्टर है, एज है, प्लेस है, सिचुएशन है, क्या एरा चल रहा था, क्या एज चल रहा था, तो वही एज, प्लेस एंड सिचुएशन, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। जैसे कोई पॉलिटिकल घटना, पॉलिटिक्स में कोई एक बहुत बड़ा घटना घटा, जैसे कोरोना वायरस वाली घटना, तो इसको भी तो हम स्टडी करेंगे ना, हमारे पॉलिटिक्स में राजनीति भी इस बात पे काफ़ी सारी हुई है, तो जब हम पॉलिटिक्स में इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कब हुई, कहाँ शुरू हुई थी, चाइना से आई, और किस सिचुएशंस में शुरू हुई थी, कैसे कैसे हुई थी, ये सारी चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स में जब पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, तो वो किस अप्रोच के थ्रू, किस नज़रिए से देखते हैं हम, किस वे में पढ़ते हैं, तो वो हिस्टोरिकल अप्रोच के थ्रू पढ़ते हैं, इस तरीके से जब हम पॉलिटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो फोकस ऑन हिस्टोरिकल फैक्टर लाइक एज, प्लेस एंड सिचुएशन, जब हम पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए इन सब हिस्टोरिकल फैक्टर्स को यूज़ करते हैं, और एकदम उसका एकदम पास शुरू से, देखिए कहते हैं ना कि अगर इस अप्रोच में कहा जाता है कि अगर हमें पॉलिटिकल साइंस समझना है तो हमें उसके एकदम पास्ट में जाके पढ़ना पड़ेगा उसे, जब एकदम शुरू से हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली हमारा पॉलिटिकल साइंस है क्या। तो ये अप्रोच ये बताता है कि पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री पढ़नी होगी। फिलोसफिकल अप्रोच ये बताता है कि जो हमारे दर्शन, मतलब जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे इथिक्स हैं, जो हमारे क्या बताते हैं ये सही है गलत है, वो चीज़ों के तौर पे हमें पॉलिटिक्स को देखना चाहिए कि हाँ पॉलिटिक्स हमें ये गलत सही में डिफरेंस बताता है, जो भी सोसाइटी में रहकर हमें करना है, हमारे राइट और हमें ड्यूटी बताता है। हिस्टोरिकल अप्रोच उसको समझने के लिए पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, उसके हिस्टोरिकल फैक्टर जैसे एज, प्लेस एंड सिचुएशन को फोकस करके तब हम पढ़ते हैं पॉलिटिक्स में इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। इट एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ एवरी पॉलिटिकल रियलिटी टू एनालाइज सिचुएशन। एम्फेसिस मतलब जोर देता है ये स्टडी करने पे, ऑन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की स्टडी पे, ऑफ एवरी पॉलिटिकल रियलिटी टू एनालाइज सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है इस टाइम है, जैसे किसान आंदोलन हो रहा है अभी, ठीक, तो इसकी स्टडी करने के लिए एक्चुअली में क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो एकदम जो शुरू में हिस्ट्री में जाएंगे, बैक में जाएंगे, शुरू कहाँ से हुआ था, क्यों हुआ था, क्या समय था, क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी, क्या प्लेस था, कहाँ से शुरू हुआ, किन वजहों से शुरू हुआ, फिर वहाँ से समझेंगे तब समझ पाएंगे, तब हमें एक्चुअली ये जो हो रहा है वो समझ में आएगा।
ना अगर वो ना पढ़े तो ये समझ में नहीं आएगा। तो वही बात ये कहता है कि इट इन्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ एवरी पॉलिटिकल रियलिटी, जो भी पॉलिटिक्स में रियलिटी हो रही है उसकी हिस्ट्री जो है रही है उसको पढ़ते हुए जब हम आएंगे तब हमको एक्चुअली चीज़ें समझ में आएंगी। तीसरा, मैकियावेली एंड सेवन सेड पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक, मैकियावेली इस अ पॉलिटिकल थिंकर है, मैकियावेली और सेवन जो है उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स और हिस्ट्री है जो अलग अलग नहीं है वो एक दूसरे काफ़ी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर है। ठीक, तो आपको एक फिलोसॉफिकल अप्रोच समझाया, पॉलिटिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच समझाया, इधर अप्रोच किसके अंदर था, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। अभी और दो अप्रोचेस हैं वो भी मैं बता देती हूँ, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल अप्रोच, वो भी दोनों आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपने दो, जैसे कि फ्रेंड्स आपने क्या दो अप्रोचेस पढ़ लिए, कौन कौन से, फिलोसॉफिकल अप्रोच जिसमें पूरी थ्योरी आदर्शवाद ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई, आइडियलिस्टिक चीज़ें, एथिक्स, वैल्यू बेस्ड, और दूसरा था हमारा हिस्टोरिकल जिसको किसी चीज़ में किसी चीज़ को अपनी पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए एकदम शुरू से हमें जाना पड़ता था। ठीक है, ठीक है, तो उसमें एकदम शुरू से हमें जाना पड़ता था तभी हम प्रेजेंट की कोई चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक, तो ये तो था हमारा हिस्टोरिकल। ठीक है, फिलोसफिकल हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, अब लीगल तीसरा और चौथा इंस्टीट्यूशनल। ठीक, तो लीगल अप्रोच क्या कहता है, स्टेट, देखिए हमने सब कुछ पॉइंट वाइज सभी अप्रोचेस को पॉइंट वाइज कर दिया ताकि आपको बहुत ही ईजी हो जाए, आप भी ऐसे ही पॉइंट वाइज देखिएगा, आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे प्लस आप इजिली लर्न भी कर पाओगे। पहला, स्टेट इज द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फॉर्मेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। स्टेट इज द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फॉर्मेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। जो स्टेट है वो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, बेस है, हमारे बेस है सभी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। स्टेट जो है हमारा, स्टेट मतलब हमारा कंट्री जो है, वो कंट्री नहीं रहेगी तो कंट्री के लिए लॉ कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे हम हैं तो हम अपने लिए खाना बनाते हैं, खाते हैं, हम हैं तो हमें भूख लग रही तब हम खाना, जब हम हैं ही नहीं तो खाना किसके लिए बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो हम रहते हैं कहीं मेस में, वहाँ ढेर सारे बच्चे हैं, थे तो बच्चे मेस बच्चे थे तो तक मेस में खाना बचा था, बच्चे अपने घर चले गए छुट्टी में तो खाना क्यों बनेगा, किसके लिए बनेगा। वैसे ही जब तक स्टेट था तब तक वहाँ लॉज वगैरह बनते थे, जब स्टेट ही नहीं रहेगा तो लॉ किसके लिए बनेगा। तो मतलब जो स्टेट है उसी के लिए लॉ बनता है, स्टेट ही लॉ बनने का फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट है तो मतलब वहाँ फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ लॉ बनेंगे। ठीक, इट कंसर्न विद द लीगल प्रोसेस, लीगल बॉडीज और इंस्टीट्यूशन, जस्टिस एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये किसकी बात करता है, लीगल प्रोसेस, जितने भी लीगल प्रोसेसेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए वो सारे प्रोसेसेस, लीगल बॉडीज जो भी हैं हमारे यहाँ स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो भी है उन सब की बात करते हैं लीगल अप्रोच में, क्या कहते हैं, क्या लीगल है, क्या इलीगल है। और इंस्टीट्यूशंस, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, तो उन इंस्टीट्यूशन जैसे कि मान लो हमारे इंस्टीट्यूशन में अगर हम देख लें तो हमारे बहुत सारी संस्थाएं, जैसे एनजीओज है गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाने, बहुत सारे मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है, खाद्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, अलग अलग डिपार्टमेंट, तो वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो है उसकी स्टडी करते हैं, प्लस जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कि जुडिशरी किस तरह से इंडिपेंडेंस है उसकी स्टडी करते हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं उसके अंदर। तो लीगल अप्रोच, जो भी लीगल चीज़ें, जो भी चीज़ें हमें लीगल लॉ ये सारी चीज़ें बताते हैं उसके अंदर, इस लीगल अप्रोच के अंदर वो सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। जैसे देखिए स्टेट की बात किया कि स्टेट से ही हमारा वही बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हमारा लॉ बनना शुरू होता है, क्योंकि स्टेट रहेगा तभी तो हम लॉ बनाएंगे, उसके लिए लॉ बनाएंगे, प्लस उस स्टेट में जितने लीगल प्रोसेसेस होते हैं, लीगल बॉडीज होती हैं, इंस्टीट्यूशन होता है, जस्टिस एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इन सब की स्टडी किसके अंदर करते हैं, लीगल अप्रोच के अंदर हम करते हैं। ठीक है, और फिर सपोर्टर ऑफ दिस अप्रोच कौन कौन है, सीईओ जेन बॉर्डन, थॉमस हॉब्स, जॉन ऑस्टिन, डायसे हैंडमाइन। तो ये सारे जो थे अप्रोच सपोर्टर हैं, इसको भी लर्न कर लीजिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, थॉमस हॉब्स, जॉन ऑस्टिन, डायसी हेनरी माइन, दो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं हमारे। ठीक है, तो हमने समझे मतलब लीगल अप्रोच, जो जितने भी लीगल चीज़ें हैं उसके अंदर, देखिए जैसे हमने हिस्टोरिकल अप्रोच पढ़ा था,
फिलोसफिकल अप्रोच करा था। तो फिलोसफिकल अप्रोच अप्रोच मतलब बताया था किसी चीज़ को देखने का तरीका, तो पॉलिटिकल साइंस को देखने का तरीका फिलोसफिकली। शुरू में सबसे पहले लोग फिलोसफिकली देखते थे पॉलिटिकल साइंस को, हाँ कि आदर्शवाद, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे वैसे। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे, इस तरीके से हम पॉलिटिकल साइंस को देखते थे कि हाँ पॉलिटिकल साइंस हमें ये सारी चीज़ें बताएंगी कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या कैसे। ठीक, फिर थोड़ा बाद आया हिस्टोरिकल अप्रोच की, हमें अगर पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है तो जो चीज़ें अभी प्रेजेंट है उसको समझने के लिए उसकी हिस्ट्री तक जाना पड़ेगा, तब हम पॉलिटिकल साइंस को समझ पाएंगे। तो वो इस तरह से हम पॉलिटिकल साइंस को देखते थे। फिर बाद में लीगल अप्रोच, पॉलिटिकल साइंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर लॉज वगैरह है, जो भी रूल रेगुलेशन है, वही सारी चीज़ें हमारी, जो इसकी लीगल जितने भी लीगल इंस्टीट्यूशन है, उसकी स्टडी वगैरह, ये सब क्या है हमारा पॉलिटिकल साइंस है, और इतना ही पॉलिटिकल साइंस। ठीक, उसके बाद लीगल अप्रोच के बाद हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आएगा। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच तो प्राइमरीली, पहला पॉइंट, प्राइमरीली डील विद द फॉर्मल फीचर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिक इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं पर्टिकुलरली उनकी स्टडी करते हैं हम एकदम डिटेल में। ठीक, तो जो भी फॉर्मल फीचर्स, जो भी ऑफिशियल फॉर्मल लीगल जो भी फीचर्स है इंस्टीट्यूशंस के, उसके स्ट्रक्चर के, उसके फंक्शन जो भी, उसके रोल जो भी है, उसके नेचर फीचर जो भी हैं, वो सारी चीज़ें हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच लेना पड़ते हैं। और ये माना जाता है कि ये जो मतलब पॉलिटिकल साइंस जो है ना, इन सब की स्टडी, पॉलिटिकल साइंस अगर हम पूरे इंस्टीट्यूशंस के को स्टडी कर लें तो अप्रोच हमारा पॉलिटिकल साइंस पूरा हो जाता है। ठीक है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जो फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या क्या होता है हमारे पॉलिटिकल साइंस में, तो हमारा लेजिस्लेचर, हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारा जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायकी जो हमारी है, वो सारी जो चीज़ें हैं उसके, तो उसमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच में इसकी डिटेल स्टडी हम लोग करते हैं। ठीक, अब थिंकर्स जैसे जो सपोर्ट करते थे इसको, एरिस्टोटल हैं, जेम्स बेसे हैं, लास्की हैं, तो ये लोग इसको सपोर्ट करते थे। तो जैसे लीगल अप्रोच में वो सारी चीज़ें जो हमें लॉ, रूल, रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें बताती हैं, उन सब की स्टडी हम लीगल अप्रोच के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के सब पोर्शन की स्टडी लीगल अप्रोच के अंदर करते हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, सब इंस्टीट्यूशन की स्टडी को इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, मतलब देखो पॉलिटिकल साइंस को देखने का फिलोसफिकल मतलब जो पॉलिटिकल साइंस है वो हमें हिस्ट्री मतलब हमें बताता है कि क्या करना है, क्या नहीं है, क्या हमारे आदर्श हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताता है। हिस्टोरिकल में मतलब शुरू से अगर हमें पॉलिटिकल साइंस समझना है तो हमको हिस्ट्री में जाके पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। और लीगल अप्रोच में तो जितना कुछ भी लॉ रूल है वही हमारा पॉलिटिकल साइंस है। और फिर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जो भी उसके फंक्शंस हैं, फीचर है, नेचर, वही हमारा पॉलिटिकल साइंस। तो कोई भी सिंगल अप्रोच नहीं था जो पूरे पॉलिटिकल साइंस को एक्सप्लेन किया, एक एक पर्टिकुलर पार्ट उसका एक्सप्लेन किया सभी ने। ट्रेडिशनल अप्रोच जैसे कि लीगल अप्रोच भी है इंस्टीट्यूशन, अगर हम अपने पॉलिटिकल साइंस को देखें तो लीगल अप्रोच भी है, उसको इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी है, फिलोसफिकल भी है और हिस्टोरिकल भी है। ठीक, सभी है, लेकिन क्या क्या इन लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच में एक एक पार्ट की बात की, सब ने किसी भी ने भी अपने अप्रोच में ये नहीं कहा कि ये सब है उस पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक, तो ये इसका ड्रॉबैक भी कह सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच का। फिर ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद मॉडर्न अप्रोच आएगा जो इससे थोड़ा अच्छा और अच्छे, क्योंकि ये अच्छा नहीं रहा तो इसको हटा के अब हम मॉडर्न अप्रोच लाते हैं। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। जैसे कि आपको हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेस बताए कि अप्रोचेस होते क्या हैं, फिर ट्रेडिशनल अप्रोच बताए हम। ठीक, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो चार अप्रोचेस थे, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल और लीगल बताया हम क्या पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे पॉलिटिकल साइंस को। पहले तो फिलोसफिकल की थ्योरी बेसिस आदर्शवाद जो भी था, तो क्या सब आदर्शवाद जो कि थ्योरी से हमें पॉलिटिकल साइंस नहीं। फिर आया हमारा हिस्टोरिकल कि नहीं हम पॉलिटिकल साइंस को किस वे में देखेंगे, किस नज़र से देखेंगे कि उसके समय, तो उसमें भी नहीं हो पाया क्योंकि सिर्फ हिस्ट्री से पढ़ के फिर पॉलिटिकल साइंस को समझ लें वो भी नज़रिया हमारा सही नहीं है। फिर तो हमारा फिलोसफिकल भी फेल, हिस्टोरिकल भी फेल, फिर हमारा लीगल तो सिर्फ लॉ रूल जो भी लिखे हुए उनको पढ़ लें वो भी हमारा पॉलिटिकल साइंस पूरा नहीं करता था। फिर इंस्टीट्यूशनल सिर्फ इंस्टीट्यूशन की स्टडी कर लें वो भी हमारा पॉलिटिकल साइंस, ये तो पार्ट्स हैं, इन सबका मिक्सचर होना चाहिए ना। और सिर्फ यहाँ पर हम वैल्यूज़ 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 की बात करते हैं, थ्योरी की बात कर रहे हैं, हमने कुछ प्रैक्टिकल किया ही नहीं, तो इसको हटा के, इसलिए ज़रूरत पड़ेगी उसको हटा के अब नए अप्रोचेज लाए जाएँ जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस को पूरा पूरा कवर कर सकें। तो वो हमारा फिर आता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद मॉडर्न अप्रोच, जो कि ये बताएगा कि दिस अप्रोच ट्राई टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम एम्पेरिकल डाटा। एम्पेरिकल डाटा मतलब हम सिर्फ थ्योरीज पे नहीं,
जैसे मैंने बताया इलेक्शन होता है कहीं पे, तो बोला जाता है कि सिर्फ एक लिमिटेड बता देता है कि इतने ही खर्च करने हैं आपको, इससे ज़्यादा खर्च नहीं करने हैं आपको अपने इलेक्शन के ऊपर। तो लेकिन हम ठीक है वो लिख दिया, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। हम वहाँ जाके बोल तो दिया जाती है, वहाँ जाके हमें चेक करना पड़ेगा कि लोग एक्चुअली खर्च कितनी कर रहे हैं पार्टियाँ, तब हमें पता चलेगा। तब तो हम जानेंगे कि अच्छा नहीं इससे ज़्यादा हो रहा है या इससे कम हो रहा है या जो कुछ भी, तब तो हम रियल कंक्लूजन निकाल पाएंगे। एम्पिरिकल डाटा मतलब जो डाटा हम ऑब्जर्व करके निकालें, वो हमारे एम्पिरिकल डाटा, हम उसके साथ वर्क करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस सब थ्योरी नहीं, हम प्रैक्टिकल करके भी तो देखेंगे कि अच्छा ऐसा बोला गया था तो एक्चुअली हो कैसा रहा है सोसाइटी में, ये समझने के। फिर दूसरा, दिस अप्रोचेस बियॉन्ड द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्टोरिकल एनालिसिस। सिर्फ पॉलिटिकल के इंस्टीट्यूशंस की स्टडी कर लेना, उसकी लॉ स्टडी कर लेना या सिर्फ उसको हिस्ट्री से समझ लेना, नॉट अ पॉलिटिकल साइंस, इट्स अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसको, इस पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, हमें करना होगा ये कि हमें क्या करना होगा कि प्रैक्टिकली सब कुछ ऑब्जर्व करना होगा, सब थ्योरी के बेस में ऑब्जर्व करके, प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को देखना होगा, तब हम कुछ ना कुछ उस पर कंक्लूजन निकालेंगे और रियलिटी सामने लाएंगे। सब थ्योरी पे बात करते रहे तो थ्योरी जो लिखी है वो तो है ही, लेकिन जो रियल है वो रियलिटी नहीं आ पाएगी अगर हम सिर्फ थ्योरेटिकल बातें करते रहें। तो वो बात हुई। फिर तीसरी, बिलीवर इंटरडिसिप्लिनरी, जैसे कि वो हमेशा हिस्ट्री, फिलोसफी ये सब बात कर रहा था, वो कभी सोसाइटी की, साइकोलॉजी की और इकोनॉमिक की बातें ही नहीं किया। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है वो क्या कहता है कि हमें सिर्फ फिलोसफी और हिस्ट्री को लेकर नहीं चलना है, हमें सोसाइटी को भी देखना है, हमें साइकोलॉजी को भी देखना है, हमें इकोनॉमिक्स को भी देखना है, इन सभी चीज़ों को साथ में लेके चलना है। किसी एक चीज़ को भी छोड़ दिया तो पॉलिटिक्स अधूरा, पॉलिटिकल साइंस अधूरा हो जाएगा, वो देखने का नजरिया हमारा पॉलिटिकल साइंस का वो गलत हो जाएगा फिर। तो ठीक, इम्फेसिस ऑन साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी, और हमेशा ऑब्जर्व करके, देख के, समझ के, एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को हम समझें तो ज़्यादा सही। सिर्फ थ्योरीज पे फोकस करना इज नॉट अ रियल रिजल्ट वॉज फाउंड फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट ही नहीं होगा अगर हम थ्योरी छाप दे, तो हम जाके ऑब्जर्व करें, प्रैक्टिकल करें, तब वो जाके हमारा एक्सपेरिमेंट होता है। तो जो एम्पिरिकल डाटा होता है, देख के, समझ के, अपनी आंखों से जो हम कंक्लूजन निकालते हैं वो चीज़ें, फिर बियॉन्ड सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करना और इंस्टीट्यूशंस और हिस्टोरिकल स्टडी करना इज नॉट इनफ। फिर बिलीव इन इंटरडिसिप्लिनरी, सिर्फ फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल इज नॉट इनफ, सोसाइटी को भी देखना है, साइकोलॉजी भी देखनी है, इकोनॉमिक्स भी देखनी है, सब इंक्लूड करके तब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे। उसके बाद किस पे साइंटिफिक मेथड यूज़ करना है, थ्योरी इज नॉट इनफ, वैल्यूज़ नहीं, सिर्फ फैक्ट की भी बातें हमें करनी है। ठीक, तो ट्रेडिशनल क्या था, सिर्फ वैल्यूज़ कहता था, मॉडर्न अप्रोच हमें क्या कहता है, हम फैक्ट की बातें करेंगे। उस मॉडर्न अप्रोच के अंदर दो अप्रोच हम पढ़ते हैं, बिहेवियरल अप्रोच एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो बिहेवियरल अप्रोच में हमारा तीन पॉइंट है, इसको मैं बार बार थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो इसमें तीन पॉइंट है बिहेवियरल अप्रोच में, अपोज बिहेवियरिज्म में भी तीन पॉइंट है। ठीक, बिहेवियर अप्रोच क्या होता है, एसोसिएटेड विद अमेरिकन पॉलिटिक्स साइंटिस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बिहेवियर अप्रोच कब निकल के आया, जब हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई चीज़ें, क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं बन पाई थी सोसाइटी में, तो वैसी चीज़ें फिर ना घटे, तो थिंकर्स, वर्ल्ड का थिंकर बैठे अमेरिका के और उन्होंने इस चीज़ पे बात करना शुरू की और नए नए अप्रोचेस को उन्होंने निकाले, वहीं से ये बिहेवियरल अप्रोच निकल के आया कि जो हमें पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है ना, एकदम वो बहुत ही कोर में जाके पढ़ाने, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ा देना या सिर्फ प्रैक्टिकल बता देना इज नॉट इनफ। तो हमें क्या करना होगा कि एक एक मैन को, एक एक पर्टिकुलर इंसान, इंडिविजुअल को समझना होगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल ही भी मिलकर पूरी सोसाइटी क्रिएट करती है। तो जब हम एक इंडिविजुअल को समझ लेंगे तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, हमें पता चलेगा एक्चुअल है क्या, और या सिर्फ थ्योरी हमें कुछ नहीं बताने वाली है। ठीक, तो इंसान पर्टिकुलर प्रैक्टिकल करके देखना, एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके उसको देखना शुरू किया और नई नई थ्योरीज, नए नए अप्रोचेज लाए। फिर फोकस ऑन बिहेवियर, जो बताया, फोकस ऑन बिहेवियर ऑफ ऑर्डिनरी मैन। फिर न्यू डायमेंशन टू द एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना, एक नया डायमेंशन आया एक्सप्लेन करने का पॉलिटिकल फिनोमिना को, पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करने का नया डायमेंशन, कि हम एक पर्टिकुलर इंसान की स्टडी करें तो हम पूरी सोसाइटी की स्टडी आराम से कर पाएंगे। अगर हम एक इंसान को समझ लें तो उसी इंसान से तो पूरी सोसाइटी बनी हुई है, तो एक एवरेज एन आइडिया हमें मिल जाएगा। एदर उस थ्योरी को पढ़ने से अच्छा तो हम इंसान को ऑब्जर्व करें, ज़्यादा रियलिटी हमें पता चलेगा, ज़्यादा अच्छा चीज़ें हमें पता चलेगी। तो ट्रेडिशनल पूरा था वैल्यूज पे बेस्ड और हमारा मॉडर्न फैक्ट पे बेस्ड है। तो बिहेवियर अप्रोच में पढ़ा,
कि इसको सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्रेडिट किसको जाता है बिहेवियर अप्रोच लेने का, अमेरिकन पॉलिटिक्स के जो साइंटिस्ट थे उनको, क्योंकि उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में सोचा कि ऐसा डिस्ट्रक्शन फिर कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन था और ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से हुआ था, तो इसको वो ये चीज़ें दोहराई ना जाए इसलिए लोग पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किए और फिर इस तरह की चीज़ें वो लेके आए कि इंडिविजुअल की स्टडी करनी है और उसी से जो भी निकलेगा वही अप्रोच होगा हमारा पॉलिटिक्स को समझने का एक इंडिविजुअल के हिसाब को लेके। उसके बाद बिहेवियर अप्रोच भी कुछ हद तक लिमिटेड रह गया, उसमें भी कुछ हमें कमियां दिखी, तब हम लेके आए पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ठीक, ये क्या कहता है, एम्फेसिस ऑन फैक्ट एंड वैल्यूज। यस, देखो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच जो था वो सिर्फ वैल्यूज की बात करता है और जो हमारा बिहेवियरल अप्रोच है वो सिर्फ फैक्ट की बात करता है। ट्रेडिशनल सिर्फ वैल्यू की बात करता था, मॉडर्न अप्रोच में जो हमारा बिहेवियर अप्रोच है सिर्फ फैक्ट की बात, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात, सिर्फ एक्सपेरिमेंट की बात, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या कहता है, नहीं दोनों ही ज़रूरी है, वैल्यूज़ की भी वैल्यू है और हमारे फैक्ट्स की भी वैल्यू है, हमें थ्योरीज भी चाहिए प्लस हमें रियल ऑब्जर्वेशन भी चाहिए, हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी काम करता है प्लस हमारी मीडिया हर जगह पहुँच के चेक भी करती रहती है चीज़ों को, तो दोनों का बैलेंस बना रहता है। ये नहीं कि बस थ्योरीज है ऐसे ऐसे होना चाहिए अगर लिख दिया गया तो लोग फॉलो करेंगे, नहीं दोनों को देखने की फॉलो हो रहा है कि नहीं और चीज़ें लिखी हैं ऐसी होनी चाहिए, दोनों की चीज़ों का मिला के जो चीज़ होगा वो हम कहाँ पढ़ते हैं, पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच है उसके अंदर। फेसिस ऑन फैक्ट्स एंड वैल्यूज, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, फैक्ट भी होना चाहिए हमारा और हमारी वैल्यूज भी होनी चाहिए। ठीक, सेकेंड स्टडी ऑल रियलिटीज ऑफ पॉलिटिक्स, हमारी स्टडी ऑफ रियलिटी जितनी भी रियलिटीज़ है जो एक्चुअल में चल रही है वो भी हमें पढ़ना है, प्लस नीड्स टू स्टडी ऑफ सोशल चेंजेस, जो सोशल चेंजेस हो रहे हैं, जो वैल्यूज़ हैं मुझे उस सोशल चेंजेस के पीछे जो वैल्यूज़ हैं उसको भी जानना है, प्लस जो रियलिटी है उसको भी जानना है। ठीक, तो ये था हमारा पूरा अप्रोच और यही अप्रोच जो हमारे सोचने देखने का वे है उसको हम अप्लाई करते हैं तो एक मैथड बन जाता है। ठीक, अप्रोच जो है, अप्रोच देखने का नजरिया किसी चीज़ को और उस अप्रोच को अगर हम अप्लाई करने के लिए रेडी कर देते हैं पूरा तो वो हमारा फिर मैथड बन जाता है। तो अप्रोच में इतना ही, अगर आपको मैथड्स पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैथड्स इट्स सो इजी, आप उसे समझ सकते हैं, बट अगर आपको मैथड्स पे भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइए। व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या कल बहुत इंपॉर्टेंट कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, नहीं तो मुझे कमेंट किया करिए। और गाइस, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं नए नए वीडियोज़ जब मैं लाती हूँ तो देखती हूँ बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि वीडियोज़ आ गए, तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, मेरे जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे मेरे चैनल का नाम लिखा होगा, अपना भी एक क्लास है उसके जस्ट बगल में सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर से, उसको क्लिक कर दीजिएगा, ताकि उसको क्लिक कर देंगे तो जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपके फ़ोन पर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है गाइज़।